वाह, ये यहाँ भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी पर ऊपर तो पहुँच ही जान खाएगा। ओ मोहन बाबू, रिश्ता लाने वाले खुद इतनी देर से आते हैं क्या? अब आ गया। हेलो सर, हाउ आर यू? अच्छा, मीट माय कजन। हेलो, हाय अंकल, थैंक्स फॉर कमिंग। दूल्हा हो तो तेरे जैसा, वरना कुछ लोग होते हैं जिन्हें 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट दो तो भी फेंक देते हैं कलर पसंद नहीं आया बोलकर। समझ में नहीं आया ना? एग्जाम्पल दूं क्या? हेलो, सहरा एवरेस्ट से उतरकर नीचे आएंगे, अपना सुंदर चेहरा सबको दिखाएंगे। देख लो बेटे, ये है लाइव एग्जाम्पल। इसके बाप की मौत के बाद मैंने कहा खुद को कंगाल बता दे, पर इसने कहा ये मुमकिन नहीं। वो कौन सा वर्ड था? वैल्यूज, वैल्यूज। हाँ, उन वैल्यूज की पूंछ पकड़कर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का दान कर आया ये। ओह गॉड, क्या इतने पैसे कमा लो तो गॉड बोलना चाहिए, लेकिन अगर कमा दो तो ओह माय गॉड ऐसे बोलना चाहिए। अकलमंदी किसमें है, पैसा जोड़ने में या गंवाने में? लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जीतना या हारना? एक्चुअली अगर ये मेरी बात मान लेता तो आज तेरी शादी। मोहन तो चलो ना, उनसे मिलते हैं। क्या हुआ? देखो, उन्हें पल्लवी और बनी के बारे में कुछ भी मत बताना, उन्हें पता चल गया तो वो शादी तोड़ देंगे। शादी के बाद नहीं चलेगा, तब छोड़कर गया तो? अरे छोड़ गया तो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। रिश्ता जुड़ा नहीं अब तक और तुम लोग तोड़ने की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है, चाहे आज मिले या डिवोर्स के बाद, है ना? पल्लवी की शादी में ऐसे काम करके तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूँ, इस कदर चाहता हूँ कि लंदन में जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब उन्हें इतने फोन किए जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ना करे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, सब लोग उनके जाने के बाद सब लोग रोए पर मैं नहीं रोया, मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। अगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, तो मैं जिंदगी भर भी रोऊं ना तो भी उनके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे मुझे लगता है जैसे मैं एक पत्थर दिल कोल्ड हार्टेड इंसान हूं, मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। मैं अपने पिता को इतना चाहता था कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। बाकियों के साथ नहीं है इसीलिए सब रोते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो हमेशा है इसलिए रोने की जरूरत नहीं। थैंक यू। लड़के रोते हुए बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। टाइम हो गया है, तुम पार्टी में नहीं जा रही? तुम नहीं आओगे? पीने वाला ना जाए तो चलता है, वेटर को तो जाना ही पड़ता है। मैं जरूर आऊंगा। सी यू देयर। सर, इस उम्र में भी आपके बाल इतने काले कैसे हैं? डाई करूंगा तो काले तो हो ही जाएंगे ना। ओहो आनंद, वन सेकंड ब्रो, इससे मिलके जाओ। ये विराज, वैल्यूज का ये लास्ट सैंपल है। आजकल ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं ब्रो। हाय यार, तुम भी। क्या ख्याल है, एक बढ़िया सी स्पीच हो जाए? अरे योगेश, अरे शर्मा क्यों रहा है, चलना, कम ऑन, कम ऑन। दिल की बात बोल दो। मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया। महानता किसमें है, लेने या देने में? क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहना तो नहीं मरता। कौरव जुए में जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते। सो कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता है, जीतने से बेहतर हारना होता है।
क्या बात बोलिए सर, तीर एकदम निशाने पर बैठा है। सर, इस उम्र में भी ये कितना समझदार है। देवताओं की कहानी सुनाना एक बात है, लेकिन जिंदगी जीना दूसरी। है मोहन, कैसी चल रही पार्टी? आज के बाद ऐसी बकवास पार्टी में मत बुलाना। ये विस्की है या पानी? हट जाओ। अरे मोहन, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? ए मोहन, आ रहा है यार, कॉफी मंगा। अरे सुनना, अरे छोटा का क्या बोला रहा है? यहाँ सर, ये डेकोरेशन किसने कराया? मैंने सर। अक्ल से पैदल एक भी ग्रीन फ्लावर क्यों नहीं लगाया इसमें? सर, ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फ्लावर नहीं होते। जुबान मत लड़ाओ मुझसे, डेकोरेशन का कोई सेंस ही नहीं है, दो पैसे की अकल नहीं है इनमें। पता नहीं साले साहब ने क्या सोच के इन्हें काम दे दिया है। मुझे सिखाने चला है बेवकूफ। मैं बाहर खड़ा हूँ, बैग्स लेकर आऊँ। हर उल्लू खुद को स्मार्ट समझता है। 36 देशों में घूम चुका हूँ मैं। बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स मुझसे एडवाइस मांगते हैं और ये गधा मुझे सिखा रहा है। गुस्सा होने दे, तू क्यों लाल पीला हो रहा है? गुस्सा हो रहा हूं मैं, गुस्सा हो रहा हूं। कौन कहता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, इतने प्यार से मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। मैं क्या बात है, जो कहना चाहता है बोलता क्यों नहीं? सर, हमें पैसों की नहीं चाहिए पैसे। मैं भीख मांग लूंगा, सड़कों पर गिटार बजाऊंगा और तुझे भी नौकरी दूंगा, तू चिल्लर उठा लेना, समझा? आप बेबी की फीस नहीं पड़ेगी, पढ़ाई छोड़ देगी, घरों में बर्तन मांजेगी। ये पागल आदमी, ये भी घूम रहा है ना, मेरे भैया भी ऐसे ही घूम लेंगे। तू सोच ले, अपना मुंह बंद करो और बैग लेकर आ। हेलो बनी। बोलिए। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे हो तुम, ठीक तो हो? सुन, मैं बैग लेकर। परी ठीक है ना? ठीक है, स्कूल गई है। मम्मी जी और मैं तुम्हारी बात कर रहे थे, अपना ख्याल रखना। मैं 2 दिन बाद आऊंगा, उसके बाद परी की फीस भर देंगे। मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ इसीलिए आया था ना भाभी। अब मैं फोन रखता हूँ, माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। सर, अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा ग्रीन फ्लावर्स इज अ गुड आइडिया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया सर। यस, अगर आप बताएं कि आपको कहां कहां फ्लावर्स चाहिए तो हम वहां वहां वो फ्लावर्स लगा देंगे। ऐसा करो, फ्लावर्स का एक गुच्छा ले आओ और बाकी मैं लंच के बाद बताता हूं। डेफिनेटली सर, विल बी वेटिंग फॉर यू। बात करते करते लंच के लिए चला गया, लगता है एक जन्म का भूखा ही है। जाने दे जहां जाना है, ये शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। परम, ये शादी अब नहीं होगी, इसकी किस्मत ही फूटी है। पहले सगाई हुई तो 3 महीने बाद टूट गई, अब शाम को शादी होने वाली है और गड़बड़ हो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ सर, क्या बात है? Actually, दहेज में 2 करोड़ रुपए देने थे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है, सारा पैसा सूटकेस में रखा था भैया, वो सूटकेस ही ले गए। कौन, रमन जी? हाँ, अरे काहे का रमन जी, लड़के वाले एक नंबर के नखरेबाज हैं। सूट सिर्फ अरमानी का चाहिए, मिठाई सिर्फ बंगाली चाहिए, उनके सारे रूल्स ही रूल्स। योगेश से बात करके उसे कन्विंस क्यों नहीं करते? एक्चुअली उसके डैडी से ज्यादा तो योगेश के नखरे हैं। उस दिन कह रहा था दहेज तो नहीं मांगूंगा लेकिन दोगी तो मना भी नहीं करूंगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो चले जाएंगे शादी तोड़ के, समझे? पता नहीं क्या होगा, ये जाके उन्हें बता दो। वो शादी तोड़ देंगे तो तोड़ने दो। अरे पागल हो गए हो क्या? चिल्लाओ मत। अरे तो और क्या करूं, मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, तू उल्टी बात कर रहा है। अच्छा, 3 महीने पहले जब मैंने इससे सगाई तोड़ने के लिए कहा था तब तो मान गए थे, अब क्यों चिल्ला रहे हो? वो सगाई थी यार, ये शादी है। तो क्या हुआ, एक में लड़की को अंगूठी दे रहे हो और दूसरे में मंगलसूत्र, इतना ही फर्क तो है। सर, ये मामला सोने के वजन का नहीं है, परिवार की इज्जत का है। अच्छा सर, आप चुप रहिए, इस मामले में आप अपनी बेटी का नाम क्यों घसीट रहे हैं? सर, मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए, उस मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी नहीं थी। आज आपका भाई पैसे चुरा कर भाग गया, ये आपकी बेटी का प्लान नहीं था। एक एक्सीडेंट जो किसी जगह हुआ या एक चोरी जो किसी और ने की, उसका दोष किसी लड़की को मत दीजिए प्लीज। सर, अगर उसकी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो आप सब 5-स्टार रिजॉर्ट के स्वीट में बैठकर ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं रमन जी को ढूंढकर आपके सामने लाता हूं। और अगर नहीं ला पाए तो? अगर 2 घंटे में उसे आपके सामने हाजिर नहीं किया तो मैं सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं। क्या मैं भी साथ चलूं? यहाँ बाप शादी तोड़ने की बात कर रहा है और दोस्तों से बचाने की कोशिश कर रही है, चलो हमारे साथ। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो शराब के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। इतना पैसा मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर रुकेंगे? वो ऐसी ही जगह पर होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हेलो, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं, नहीं देखा है। हेलो, इस आदमी को कहीं देखा है? देखिए आदमी नहीं, मैंने नहीं देखा, उधर जाके पूछिए।
टैबलेट्स नहीं लेकर आई। मुझे डबल क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है मैंने कम चढ़ा रखी है। अर्जेंटली एक क्वार्टर मारनी पड़ेगी। ए, सुबह लक्ष्मी, ये कोई आइटम नंबर है जो तुम देख रही हो? इसे ये दिख गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? टेंशन को पेंशन दे और ठंड रख, वो कहीं नहीं जाने वाला। इस तरफ ही आने वाला है, उधर डेड एंड है और इधर दी एंड। मैं तो कहता हूँ सूटकेस छीन लो, तुम वैसे भी अखाड़े में कूद पड़े हो। हाँ ये केबीसी में पांचवा ऑप्शन कहाँ से आ गया? शुगर कम होने की वजह से कम दिखता है, लेकिन पहली बार कोई उड़ता हुआ दिख रहा है। परमजीत सिंह तेरी तो। मेरी धुलाई बाद में कर लेना, पहले ये मैटर सेटल करो। ये जिंदगी में बहुत ऊंचा चला गया। वेलकम टू इंडिया। तुम लोग भी मेरी तरह उड़ के आ गए क्या? हम कहीं नहीं गए, तुम यहाँ से यूं गए और यहीं वापस आ गए। सूटकेस मुझे दो। नहीं दूंगा। मारना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसे मामले सेट करने के लिए एक बेटा पैदा किया है, तुम लोग आपस में निपट लेना। ये ले पकड़, कैच। Yeah.